today. I'm gonna tell you about the fucking nobody. John Wick. And we also call him Baba Yaga. John is a man of focus, commitment, share will. Something you know very little about. Once he killed 3 men in a bar with a pencil. A fucking pencil. क्या तुम्हारे घर कैसे हो तुम लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जॉन विक 4 के ट्रेलर के बारे में, बट थोड़ा लेट से। और ये लेट इसलिए हो गया क्योंकि तुम्हें भी पता है कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर रिलीज हुई थी, तो मैं उसी के पीछे बिजी था अपने सेकंड वाले चैनल पे। पर कुछ भी हो जाए, मुझे जॉन विक पे वीडियो बनानी ही थी क्योंकि भाई मैं फैन जो ठहरा इसका। तो वीडियो में उसके बारे में बात करने से पहले मैं तुम्हें थोड़ी सी वार्निंग देता हूँ उसको लेकर। तो तुम्हारे लिए सबसे पहली वार्निंग ये है कि जॉन विक की गाड़ी को कभी मत छूना, और दूसरी बात कभी भी उसके कुत्ते को मत छेड़ना। खैर तो देखो, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जॉन विक के फर्स्ट वाली मूवी के बारे में। अब देखो, इस मूवी की स्टोरी ठीक ठाक थी, पर अगर ऐसी मूवीज के हिसाब से देखा जाए तो इसका कलर टोन थोड़ा डार्क था। जहाँ की ये मूवी 2014 में आई थी और उस समय के हिसाब से इसका एक्शन बहुत ही अच्छा था, पर बात वही निकल के आती है कि इसका कलर टोन थोड़ा डार्क था, जो कि मुझे उतना ज्यादा पसंद नहीं आया। बट फिर इन लोगों ने इसके पार्ट 2 से उसके कलर टोन को थोड़ा नियोनिस वाइब दिया, जो कि भाई एक नंबर था। अगर तुम इसे बड़े पर्दे पर देख लोगे या फिर अच्छे पर्दे जैसे IMAX पर देख लोगे तो तुम इसके फैन हो जाओगे। लेकिन जिस तरह पार्ट 1 के मुकाबले इसकी कलर टोन सही थी, वहीं पे पार्ट 1 के मुकाबले इसकी स्टोरी थोड़ी सी रुक गई थी। बट फिर भी ये मूवी अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट यानी कि अपने एक्शन को एक अच्छे तरीके से लेकर चलती है। और वही पार्ट 3 के स्टार्टिंग वाले सीन से ही तुम्हें इसके सारे एक्शन सीन्स देखने को मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो गए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुकाबले। और साथ ही जहां पार्ट 1 में इसकी स्टोरी सही थी, पार्ट 2 में इसकी स्टोरी रुक गई थी, वहीं पर पार्ट 3 में इसका यूनिवर्स और भी ज्यादा एक्सपैंड करने लगा। बट फिर भी इस मूवी की स्टोरी उतनी कुछ खास रही नहीं। पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस फ्रेंचाइजी की मूवी ने पार्ट 1 से ही हमें स्टोरी के नाम पर मूवी को कभी नहीं बेचा। इसने जब भी बेचा है तो अपने एक्शन के नाम पे। मतलब कि इसके मूवीज का रॉ फाइट सीन्स इतने ज्यादा स्ट्रांग है, मैं क्या ही बताऊं। मतलब कि इसके कुत्ते भी बॉलीवुड के मूवीज के एक्शन सीन से ज्यादा अच्छे तरीके से फाइट सीक्वेंस दे रहे थे, वो भी रॉ में। और वहीं पे मैं तुम्हें जॉन विक के बारे में एक और बात बता देता हूँ कि ये ज्यादा बात नहीं करते मूवीज में। मतलब कि फालतू की धमकी वमकी नहीं देते किसी को, जो भी करना है सीधा फाड़ देना है। मतलब कि इनके वर्ल्ड में इनकी भौकाली इतनी ज्यादा है कि जो भी इनका कॉन्टैक्ट लेता है, मतलब कि इनको मारने का, वो भी कॉन्टैक्ट लेने के बाद आके इनके पैर छूता है, इनको बिग फैन सर बोलता है और उसके बाद से अपने काम पे लगना शुरू करता है। अब देखो, मैंने यहाँ पे तुम्हें इनके बारे में इतना सब कुछ बता दिया, पर अब बात करते हैं इसके पार्ट 4 के ट्रेलर के बारे में। तो भाई लोग देखो, जैसा कि मैं तुम्हें पहले बताया कि उन्होंने पार्ट 1 और पार्ट 2 के मुकाबले पार्ट 3 में अपने यूनिवर्स को और भी ज्यादा एक्सपेंड किया। अपने उसी यूनिवर्स के कॉन्टिनेंटल और हाई टेबल के बारे में हमें और भी ज्यादा ज्ञान दिया। हाई टेबल वही जिसके लिए जॉन विक पहले काम किया करता था। और साथ ही साथ इन लोगों ने हमें ये भी दिखाया कि जॉन विक कहां से निकला था। और अब सबसे बड़ी बात कि पार्ट 4 के ट्रेलर में हमें ये दिखाया गया है कि जॉन विक पहुंच गए हाई टेबल के पास। और यहां पे मिस्टर विक के पास 2 ऑप्शन है कि या तो वो हाई टेबल के मेंबर्स को मारकर खुद वहीं पे बैठ जाए, या फिर वो हाई टेबल के लिए काम करना शुरू कर दे। बट वही पे हमें यहाँ पे एक और चीज दिखाया जा रहा है कि पार्ट 3 जिस क्लिफहैंगर के साथ एंड हुई थी, मतलब कि विंस्टन ने जैसे उसे गोलियां मारी थी, उस जगह में मुझे हल्का हल्का शक था कि विंस्टन ने उसे बचाने के लिए वहाँ पे गोली मारी है, क्योंकि विंस्टन को पता था कि अगर मैं उसके गोली उसके सूट पे मारूंगा तो भाई वो बची जाएगा और नीचे गिर के वो कहीं ना कहीं भाग जाएगा। तो वही चीज हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका है इसके पार्ट 4 के ट्रेलर में कि विंस्टन इसके साथी है। बट वहीं पे हमें इसके पार्ट 4 के ट्रेलर में एक और चीज दिखाई जा रही है जो कि बहुत ज्यादा अचंभित करने वाली है, और वो ये है कि इसके पार्ट 4 के ट्रेलर में अपना विंस्टन या फिर कोई तो अपने जॉन विक को ये बता रहा है कि तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य पहले से ही हाई टेबल पे बैठता हुआ आ रहा है, जो कि सुनने के बाद मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंज लगा कि भाई ये क्या कह रहा है ये बंदा। पर भाई इन सारी स्टोरीज को साइड में रखे, सबसे बड़ी बात आती है इसका एक्शन, जिसके लिए कि ये फिल्म मशहूर है, जिसके लिए हमें बेच रही है, वो भी हमें इसके ट्रेलर में बहुत भरपूर मिल रहा है देखने को। और साथ ही साथ इसका जो नियोनिस वाइब मिला है, मतलब कि नियोनिस कलर टोन जो मिला है, एकदम ब्यूटीफुल लग रहा है। और मैं तुम्हें बता दूं एक और बात इस जगह पे, और वो ये है कि इनकी मूवीज में ज्यादा बातें नहीं होती, जॉन विक बहुत कम बात करना पसंद करते हैं। तो इसलिए मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूं कि अगर तुम्हें अंग्रेजी नहीं भी आती तो भी तुम इस मूवी को अंग्रेजी में देख सकते हो, क्योंकि इस मूवी में ज्यादा बातें हुई ही नहीं है। मतलब कि तीनों मूवीज में से किसी में अभी तक कुछ ज्यादा बातें हुई ही नहीं है, हुई है तो बस एक्शन। एंड इसी के साथ इसके ट्रेलर में हमें कुछ नए नए कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं जो कि मुझे बहुत भौकाली लग रहे हैं देखने में, और खास करके हाई टेबल का मेन सदस्य। मुझे देखना है कि वो बंदा किस तरह से अपने एक्शन सीन्स को परफॉर्म करता है। अब क्या जो भी होगा वो मूवी में देखा जाएगा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस मूवी के लिए, तुम हो कि नहीं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर तुमने नहीं देखी अभी तक इसकी 300 मूवीज तो भाई जाकर जरूर देखो, Amazon Prime पे देखने को मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ अगर मुझसे पर्सनली बातें करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आ जाना। और हाँ, देखते रहना AR के विचार।